जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी फरवरी 2020 बैच एडमिट कार्ड के बारे में, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और आप इसको कैसे डाउनलोड कर पाओगे इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से यह लिंक ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये वेबसाइट आपके के सामने आ जाएगी। अब यहां पर आपको सबसे नीचे की तरफ आना है और आप देखोगे डाउनलोड एडमिट कार्ड हियर, आपको इस लिंक को ओपन कर लेना है। अब ओपन करते ही वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यहां पर दिया जा रहा है एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी। यहां पर आपको अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है जो कि आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद मिला था, या फिर यहां पर आपको वो ईमेल आईडी फिलअप करनी है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल की थी। फिर यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल की थी। ये डालने के बाद जो भी यहां पर कैप्चर कोड दिया जा रहा है, कैप्चर कोड आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो, रोल नंबर और वेन्यू देखने को मिलेगा। साथ ही इसके सामने आपको जो एग्जाम डेट है वो और प्रिंट एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि जिन कैंडिडेट के इंफॉर्मेशन डालने के बाद यहां पर कुछ भी नहीं आता है तो इसका मतलब ये होता है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है आपकी जो क्वालिफिकेशन की परसेंटेज है उसके अनुसार। इसके अलावा इसमें कोई भी किसी भी तरह का एरर नहीं आएगा। तो आपको यहां से प्रिंट एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। यहां पर आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी कि आपका एग्जाम का वेन्यू क्या रहेगा, किस टाइम आपको जाना है, आपका एग्जाम किस वक्त रहने वाला है। तो आपको इसको प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करने के बाद आपके सामने ये प्रिंट हो जाएगा और आपको इसको अपने पास सेफ रखना है। अब यहां पर सबसे जरूरी बात आप ये भी जान लीजिए जो कि आपको ध्यान रखनी है, आपको अपने एडमिट कार्ड की जो 3 कॉपी है वो आपको एग्जाम सेंट्रल लोकेशन पर लेकर के जानी है, जिसमें कि आपको लेटेस्ट 3 फोटोग्राफ भी उनके ऊपर चिपकाने होंगे। साथ ही आपको 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के जानी है, 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के जानी है और साथ ही आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना होगा अगर वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, और इसी तरह से आपको इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को लेकर के जाना होगा। और बाकी की जानकारी आप यहां पर अच्छे से इस नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर लीजिए, जो कि नोटिफिकेशन आपको यहां से डाउनलोड करके मिल जाएगा। तो दोस्तों इस सिंपल स्टेप के माध्यम से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाओगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी कि कैसे आपको ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो दोस्तों बस इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।